कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह जी साथ साथ चल रहे हैं, पूरे सुजूम के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। यात्रा का मकसद असल क्या है, इस यात्रा का असल मकसद क्या है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। लेकिन किसी तरीके से सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इस पूरी यात्रा का जो मकसद है वो 2024 का चुनाव है। आप लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, हम लोग नहीं कह रहे, हमने चुनाव की बात भी नहीं करी जी, राहुल जी ने चुनाव की बात भी नहीं करी जी, राहुल जी ने चुनाव की बात नहीं कही। और पूरी तरीके से ये यूं कहूँ कि एक तरीके का सामाजिक सरोकार और सांस्कृतिक सरोकार को सामने रखते हुए भारत को जोड़ने की बात कही जा रही है। कहाँ अब कोविड की बात कही जा रही है, चिंताएँ जताई जा रही हैं, ये यात्रा का स्वरूप क्या रहने वाला है? अभी जिस तरीके से हुजूम दिख रहा है, हर बच्चा बूढ़ा जवान नज़र आ रहा है और हर जगह से नज़र आ रहा है, क्या अगर ये चिंताएँ बढ़ी तो यात्रा का स्वरूप कुछ और होगा? बात यह है कि कोविड के मामले में केंद्र सरकार का अभी कोई स्पष्ट आदेश नहीं है जी, क्योंकि मोदी जी खुद अभी मास्क नहीं लगाते जी, जब अकेले रहते हैं तो मास्क लगा लेते हैं फोटो के पिक्चर कैमरा के सामने जी, पब्लिक मीटिंग में मास्क लगाते हैं क्या, पब्लिक फंक्शन में मास्क लगाते हैं क्या? तो यानी ये कहा जाए कि कांग्रेस ये मान रही है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से सत्ता पक्ष में जो है बेचैनी है, लगता तो है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, भीड़ है, लगातार लोग नज़र आ रहे हैं, हुजूम दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से ये लोग इस सर्दी ठिठुरती सर्दी में दिल्ली में निकल के आए हैं, और आप जैसे और आपसे भी ज़्यादा उम्र दराज लोग नज़र आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीच में एक ऊर्जा का प्रचार दिखाई देता है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो ये दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और लगातार कदम पे कदम चला रहे हैं, और लोगों का जिस तरीके से जुमावड़ा जुड़ता जा रहा है वो दर्शा रहा है कि यात्रा में कहीं ना कहीं जान है, और वो जान जो है कांग्रेस में हो सकता है कि संजीवनी का काम करें। और ये दिखा दे कैमरा मैन को, कहूँगा कि वो और विजुअल्स दिखाए किस तरीके की भीड़ है, किस तरीके का हुजूम है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए जो 2014 से हिंदुस्तान हमारा तितर बितर हुआ भाजपा के शासन में, उस शासन को जोड़ने के लिए, हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। देख सकते हैं लोगों का हुजूम, मीडिया के कैमरे एक साथ लगे पड़े हैं, और पूरा का यू कहूं कि हिंदुस्तान या दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों पे नजर आ रहा है। लगातार ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी पूरी मुस्तैदी से जो है अपने दायरे में रहते हुए इस पूरी यात्रा को चला रही है, लेकिन दिल्ली की सर्दी का यहाँ के लोगों पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस का एक एक वर्कर जो है वो पूरे जोश में नजर आ रहा है, क्या कहना है? यात्रा जो है कश्मीर तक जा पाएगी या कोविड में रुक जाएगी? बिल्कुल जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा, यात्रा कश्मीर तक जाएगी। बोला सर, प्रशासन का फेलियर चल रहा है दिल्ली में। ऐसा क्यों लगता है? पूरी तरह देख रहे हैं ना आप, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? सिर्फ कोरोना की हवा उड़ा के लोगों की संख्या कम करने की कोशिश की गई है, जनता बहुत जागरूक है। 108 दिन हो गए इस यात्रा को, और सुबह 6:10 से निकला हुआ काफिला अभी आश्रम चौक की तरफ जा रहा है, आगे का क्या प्लान है? आगे का ये प्लान है कि राहुल गांधी जी आश्रम पे, आश्रम कैंप है उसके अंदर ठहरेंगे, जो अभी तक जो सुना है, और बाकी भारत जोड़ो यात्रा ये जो चल रही है, राहुल गांधी जी की मोहब्बत बांटने की यात्रा है। अच्छा, मोहब्बत बांटने की यात्रा है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि उस तरफ देखे, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये भारत जोड़ो यात्रा वाकई 2024 में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी? कैमरामैन वसीम अकरम के साथ मारूफ रजा, नई दिल्ली, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।